नमस्कार दोस्तों, हाईलाइट स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं रवि वर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका आंसर कि हम इन्वायरमेंट और मैथमेटिक्स का डाल दिए हैं। अब हिंदी का हम डालने जा रहे हैं, जिसका सीरीज ए होगा उनके लिए तो सुविधा होगा, जिसका नहीं भी होगा तो हम बता दे रहे हैं। इसमें पैसेज है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित के सही विकल्प छांटना है। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो अलंकरण नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वन सही है, अलंकरण नहीं सही है। जैसे इसमें दिया हुआ आत्मविश्वास भी है, भाषा विचार और भावनाओं को व्यक्त करना भी है, तो ये आत्मविश्वास और प्रभावशाली भाषा भी है, तो ये सब हैं, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है ये पूछ रहा, तो अलंकरण आंसर फर्स्ट सही है। 32 में संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, ये अभ्यास से होता है, आंसर फर्स्ट सही है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? नहीं है, कौन सा नहीं है, तो या नहीं है, फर्स्ट सही है। 33 का मृत्युंजय पद से कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाले, तो बहुव्रीहि समास है। 35 है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, फोर सही है 35 का। नेक्स्ट है 36, 36 हम देखते हैं उसमें कह रहा है यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो यह पुस्तक तो सार्वनामिक विश्लेषण एक वचन स्त्रीलिंग, 36 का फर्स्ट सही है, 36 का फर्स्ट सही है। 37 आता है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? तो विश्लेषण का विलोम जो है संश्लेषण है, 37 का टू सही है। 38 में आते हैं पेपर औसत था कोई, बहुत ना ज़्यादा टफ है ना बहुत सरल है, पेपर ठीक है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं, क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। 39 निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है? सा सा सा, तो ये ऊष्म व्यंजन है, छोटा बड़ा सा हचरुआ सा और छोटा सा, 39 का वन। 40 है 40वां क्वेश्चन अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प, यानी बहुत कम, अत्यल्प, तो 40 का वन सही है, 40 का वन सही है। 41 ऋत का विलोम क्या होगा? तो ऋत का विलोम जो है अनिर्त होगा, वन सही है, अनिर्त, ऋत का विलोम अनिर्त। 42 संकल्प शब्द में उपसर्ग है, तो संकल्प शब्द में सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य होगा, इसका भाववाच्य है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। 43, 44 में हम देखते हैं, 44 है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो आयुष का आदेश, यही मेल गलत है, फोर सही है। 45 में आते हैं लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर रसक धरंजन आचार्य महावीर प्रसाद स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त ये गलत है, ये जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। अशोक 46 में आते हैं हम कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो शिवराज भूषण भूषण का है सही है, शब्द रसायन देव परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये कह रहा है। परिमल तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, शिवराज भूषण भी भूषण का है। तो 47 में देखते हैं लेखक और उसकी कृत के युग में कौन सा युग गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का देश, आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें दर्शन दिग्दर्शन होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है हमको। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो ईमानदारी परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, तो इसमें उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। रामचिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य? टू सही है। 51 शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन, तो इसमें अधुनातन है, क्या है? अधुनातन। 50 है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो अर्वाचीन प्राचीन होगा, 50 का वन सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विरहणी, क्या है? विरहणी अशुद्ध है,
ऋणी में क्या होना चाहिए? हा पर छोटी मात्रा ही और रा बृहड़ी। निम्न से कौन सा युग गलत है? लुटिया डुबोना, सब्ज बाग दिखलाना, यही गलत है। सब्ज बाग दिखलाना इसका अर्थ ये नहीं होता है। मेरी भव आधा आरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। इसमें जो है श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। 54 गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है गौशाला में। 55 देशभक्त में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है, देश के भक्त। अब हम देखते हैं 56 प्रागैतिहासिक में निम्न से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है प्राक फर्स्ट सही है। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। 58 बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आंसर से ही पता चल जाता है कि बहिष्कार का आधा साकार होगा नहीं, ये होगा नहीं, वही ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो 3 सही है। 58 बहिष्कार का संधि बहिधन कार। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अवध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की। सृष्टि है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है इसमें पहिया, पहिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहीं पे ये समाप्त होता है। अब आपको वीडियो ये कैसे लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। अभी तक हमारा, हाँ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।